नमस्कार दोस्तों, अभी जो ये लेक्चर सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनरी कैसे काम करता है। बेसिकली हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में बहुत सारे जो यूनिट हैं वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं, उनका पर्पस क्या है और उनका फीड क्या है, प्रोडक्ट क्या है। बेसिकली हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी का। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में। क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट को एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट भी बोला जाता है और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट तो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट ही बोला जाता है। तो अभी उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बट उस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जो क्रूड है वो बेसिकली क्रूड ऑयल और तीन तरह का होता है, पैराफिनिक क्रूड ऑयल, नेफ्थिनिक क्रूड ऑयल और इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल। अभी हमने ये बोला था कि अगर क्रूड ऑयल में पैराफिन्स कंटेंट ज़्यादा है तो पैराफिनिक, अगर नेफ्थिन्स या एरोमेटिक कंटेंट यानी साइक्लिक मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो उसको नेफ्थिनिक, या फिर अगर मोर और लेस दोनों सफिशेंट अमाउंट में है तो उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। हमने ये नहीं बात किया था कि ओलिफिनिक क्रूड ऑयल कैसा होता है, क्योंकि क्रूड ऑयल्स में ओलिफिन्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मिस हो गया था। इवन गेट में भी ये क्वेश्चन आया है कि क्रूड ऑयल में कौन सा कंपोनेंट, कौन सा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, तो ओलिफिन्स नहीं होता है। अभी हम आज वो डिस्कशन जहाँ पे रोके थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट से जो डिस्टिलेट बनते हैं, जैसे स्पिंडल ऑयल, लाइट ऑयल, इंटरमीडिएट ऑयल, हेवी ऑयल, और जो बॉटम से जो प्रोडक्ट बनता है जिसको वैक्यूम रेसिड्यू या शॉर्ट रेसिड्यू भी बोला जाता है, ये सभी ही मार्केट में बेचने लायक प्रोडक्ट नहीं है। तो हमको इनको अपग्रेड करना होगा और वैल्यूबल प्रोडक्ट में जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या एलपीजी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं और कुछ सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट्स ऐसे हैं जो कि क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट से जो प्रोडक्ट बनते हैं जो कि क्वालिटी मीट नहीं करते हैं, तो क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं। हमने जो बात किया था, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि ऐसे सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट जो ये वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के जो प्रोडक्ट हैं उनको कन्वर्ट करता है मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट से जो ये स्पिंडल ऑयल, लाइट ऑयल, इंटरमीडिएट ऑयल, हेवी ऑयल जो बनता है इसको कलेक्टिवली वैक्यूम गैस ऑयल भी बोलते हैं, और बॉटम से जो बनता है वो वीआर बनता है। तो बेसिकली आज का पर्पस ये है, हमें ये समझना है कि वैक्यूम गैस ऑयल एंड वीआर का अपग्रेडेशन कैसे होता है। अभी देखिए, ये इन हाइड्रोकार्बन्स को अपग्रेड करने के लिए रिफाइनरी में बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं, और बेसिकली ये सारे वैक्यूम गैस ऑयल एंड वीआर जो है ये बेसिकली इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बड़े बड़े लॉन्ग चेन या लॉन्ग साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं इसके अंदर। तो हमको बेसिकली अगर पेट्रोल डीजल में जाना है तो बेसिकली हमको क्रैक करना पड़ेगा ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्रैकिंग प्रोसेस भी दो तरह का होता है। कुछ प्रोसेस ऐसे होता है जो कि थर्मल प्रोसेस से, मतलब हीटिंग करके क्रैक करता है, और कुछ प्रोसेस ऐसा होता है जो कि कैटलिटिक होता है जिसमें कैटलिस्ट यूज किया जाता है क्रैक करने के लिए। नाउ ये थर्मल प्रोसेस में दो तरह का यूनिट आता है, पहला यूनिट है जिसको विस्ब्रेकिंग यूनिट बोलते हैं और दूसरा यूनिट है जिसको डिलेट कोकर यूनिट बोलते हैं। और कैटलिटिक प्रोसेस में भी दो तरह का यूनिट होता है जनरली रिफाइनरी में, एक बोलते हैं फ्लूडाइज कैटलिटिक क्रैकिंग FCC और दूसरा जो है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्रैकिंग। एक और तरीका है इसको प्रोसेस करने के लिए और उसको बोलते हैं सॉल्वेंट डीएसफॉल्टिंग यूनिट, जो कि फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई क्रैकिंग नहीं होता है, ये एक्सट्रैक्शन के द्वारा इस लो वैल्यू प्रोडक्ट को हाई वैल्यू में कन्वर्ट करता है, सॉल्वेंट डीएसफॉल्टिंग यूनिट। मोस्टली प्रोपेन डीएसफॉल्टिंग यूनिट इसका एक इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर वर्जन है। तो बात करेंगे कि कैसे काम करते हैं, बट ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि बेसिकली ये सारे प्रोसेस इस
बात पे काम करता है कि वो मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन इज टू कार्बन रेशियो है वो बढ़ा दे। समझते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखिए जितने भी लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन इज टू कार्बन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मीथेन है आप देखिए उसमें 4:1 है, हाइड्रोजन 4 कार्बन 1। अगर इथेन है तो उसमें देखिए 3:1 है, और अगर इथाइलिन है तो आप देखिए 2:1 है, बेंजीन है तो 1:1 है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बड़े हो रहे हैं या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, हाइड्रोजन इज टू कार्बन रेशियो आपका घटते जा रहा है। और हाइड्रोजन इज टू कार्बन रेशियो जितना ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन्स की कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है, वो अच्छे से जलता है, सूटी फ्लेम्स नहीं होता है। ये सब बारे में मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ मोटर स्प्रिट क्वालिटी वाले जो वीडियो लेक्चर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसको अगर कन्वर्ट करना है मोर डिजायरेबल और मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट्स में, तो हमको क्या करना होगा, हाइड्रोजन इज टू कार्बन रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हाइड्रोजन इज टू कार्बन रेशियो अगर मुझे बढ़ाना है तो दो ऑप्शन है, या तो हम हाइड्रोजन बढ़ा दें या फिर कार्बन घटा दें। ठीक है, इसी बेसिस पे ये जो सारे प्रोसेस हैं इसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक टाइप को बोलते हैं कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस, और एक टाइप को बोलते हैं हाइड्रोजन एडिशन प्रोसेस। अब हाइड्रोजन एडिशन में तो हाइड्रोक्रैकिंग आता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का भी एडिशन होता है, और कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस में आता है डिलेट कोकर, फ्लूडाइज कैटलिटिक क्रैकिंग, इवन प्रोपेन डीएसफॉल्टिंग यूनिट और विसब्रेकर यूनिट। ये सभी कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस में आते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी गेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखिए जब भी अगर मैं कैटलिटिक क्रैकिंग से बोलता हूँ तो उसका मतलब हम लोग रिफर करते हैं फ्लूडाइज कैटलिटिक क्रैकिंग से। अगर हाइड्रोक्रैकिंग है तो उसको क्लियरली लिखा बोला जाता है कि हाइड्रोक्रैकिंग। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि कैटलिटिक क्रैकिंग तो आप समझिए फ्लूडाइज कैटलिटिक क्रैकिंग। एनीवे हम लोग ये सारे प्रोसेस के बारे में अभी थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि ये क्या है और कैसे काम करता है। अभी देखिए ये यहाँ पे जो वीजीओ एंड वीआर है उसमें वीआर में मेटल कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। मेटल कंटेंट्स लाइक निकेल, वेनेडियम, इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई अमाउंट में होते हैं। और क्या है कि कोई भी कैटलिस्ट जो है उसमें जो एक्टिव साइट्स है उस पर मेटल जो है वो परमानेंटली एडजॉर्ब हो जाता है। ये हम लोग केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में पढ़े हैं, इसको बोलते हैं पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट होने का बहुत तरीका है। एक को बोलते हैं कोकिंग, एक को बोलते हैं सिंटरिंग, एक को बोलते हैं पॉइजनिंग। थ्री मेथड से हम लोग हमारा कैटलिस्ट वो डीएक्टिवेट हो सकता है। ये आप फोगलर में भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अब ये जो पॉइजनिंग है उसमें क्या होता है, मेटल्स जो कैटलिस्ट का जो एक्टिव साइट्स है उसमें क्या होता है कि मेटल्स जाके एडजॉर्ब हो जाता है और वो कैटलिस्ट फिर बेकार हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। और ये जो एडजॉर्प्शन होता है वो परमानेंट एडजॉर्प्शन होता है, तो ये कैटलिस्ट को हमेशा के लिए ख़राब कर देता है, मतलब इस कैटलिस्ट को रीजनरेशन भी नहीं हो पाता है। तो इस कारण से जब वीआर में आपका मेटल कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वीआर का प्रोसेसिंग कैटलिटिक प्रोसेस से तो नहीं किया जा सकता। नहीं तो अगर कैटलिस्ट को कैटलिटिक प्रोसेस से करेंगे तो कैटलिस्ट हमारा बार बार डीएक्टिवेट होगा, तो बार बार चेंज करना तो इकोनॉमिकल नहीं होगा। इसलिए वीआर का प्रोसेसिंग का तीन ही ऑप्शन है, मतलब एक तो विसब्रेकर यूनिट या डिलेट कोकर यूनिट और या फिर सॉल्वेंट डीएसफॉल्टिंग यूनिट। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं ये तीनों बारे में। ये दोनों तो थर्मल क्रैकिंग करता है और ये सिर्फ फिजिकल सेपरेशन मतलब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट है। अभी देखिए इस वीआर के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये जो वीआर है, वीआर बेसिकली वीआर में क्या क्या रहता है, ऑयल्स रहता है, रेजिन्स रहता है एंड एस्फॉल्टिन्स रहता है। मतलब क्या हुआ कि इवन वैक्यूम डिस्टिलेशन के बाद भी हमारे पास जो वीआर बनता है उसमें भी कुछ ऐसा ऑयल्स रहता है जिसको रिकवर किया जा सकता है, मतलब अभी कुछ ऑयल लेफ्ट रह जाता है। ठीक है, तो जो वीआर है उसमें
अच्छा रेजिन और एस्फाल्टिंग्स क्या है उसके बारे में बोल देता हूँ। एस्फाल्टिंग्स जो है वो बेसिकली बहुत मतलब क्लस्ट बहुत हाई हेवी मॉलिक्यूल्स है जिसका मॉलिक्यूलर वेट करीब करीब 3000 to 5000 इस रेंज में रहता है, बहुत हेवी मॉलिक्यूल्स है। और ये जो है बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इस टाइप के, एरोमेटिक्स भी होता है उसमें, ठीक है। इट क्लस्टर्स ऑफ नैफ्थीन्स एरोमेटिक्स, उसके बाद कुछ इम्प्यूरिटीज भी होते हैं, आप समझ रहे हैं, ऐसे नैफ्थीन्स भी हो सकता है, इस तरह के बहुत बड़े बड़े बड़ा बड़ा कंपाउंड्स है, ठीक है। नैफ्थीन्स, क्लस्टर ऑफ नैफ्थीन्स एरोमेटिक्स, और कुछ इम्प्यूरिटीज भी होता है, हो सकता है नाइट्रोजन हो, इधर सल्फर भी हो सकता है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स है एस्फाल्टिंग्स। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, आप देख लीजिएगा गूगल पे, ठीक है। रेजिन्स जो है वो स्ट्रक्चर में तो एस्फाल्टिंग्स के सिमिलर ही होता है, बट उसका मॉलिक्यूलर वेट 200-300 कम होता है, मतलब एस्फाल्टिंग्स से, ठीक है, लेस देन एस्फाल्टिंग। और ये मोर वोलेटाइल भी होता है एस्फाल्टिंग्स से, मोर वोलेटाइल। और इसमें खास बात यह है कि ये सॉल्युबल होता है एनहेप्टेन में, ठीक है। अभी जो वीआर है, वीआर बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन है ऑयल्स का रेजिन्स का एंड एस्फाल्टिंस का। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एस्फाल्टिंस सस्पेंडेड रहता है वीआर में, मतलब आप समझिए ऐसे कि वीआर है उसमें ऑयल, ये पूरा ऑयल है उसमें एस्फाल्टिंस, मैं ऐसे एस्फाल्टिंस बना रहा हूँ, और रेजिन्स जो है वो एस्फाल्टिंस को ऑयल में होल्ड करके रखता है, ठीक है, ये चीज़ है। इस तरह से वीआर होता है। अब यहाँ पे जो एक जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट वो क्या करता है, एक सॉल्वेंट यूज करता है, वो ऐसा सॉल्वेंट होता है जो कि ऑयल्स को डिजोल्व कर लिया, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो इक्विलिब्रियम नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो एस्फाल्टिंस क्या होता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, मतलब एस्फाल्टिंस अलग हो जाता है। तो इस ये जो प्रोसेस है इसको सॉल्वेंट डी एस्फाल्टिंग प्रोसेस। डी एस्फाल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अब इसके लिए सॉल्वेंट जो यूज करना पड़ेगा, अगर सॉल्वेंट प्रोपेन यूज करते हैं तो इसको प्रोपेन डी एस्फाल्टिंग यूनिट बोलते हैं। और अगर प्रोपेन के अलावा और कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, ब्यूटेन्स या फिर अगर उससे भी बड़ा मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, तो फिर जैसे पेंटेन या नेफ्था भी यूज कर सकते हैं, तो उसको सॉल्वेंट एस्फाल्टिंग ही बोला जाता है, ठीक है। अब समझते हैं क्यों। देखिए, हमको ये पता है कि कोई भी सॉल्यूशन में लाइक डिजोल्व लाइक्स, मतलब अगर एरोमेटिक्स है तो एरोमेटिक्स को डिजोल्व कर लेगा, अगर पैराफिन्स है तो पैराफिन्स को डिजोल्व कर लेगा, ये तो हम लोग बेसिक केमिस्ट्री से समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ऑयल्स को एस्फाल्टिन से अलग करना है, तो इसका मतलब हमको ऐसे मॉलिक्यूल्स लाना पड़ेगा जो कि ऑयल्स के सिमिलर हैं। तो ऑयल जो है ऑब्वियसली लो मॉलिक्यूलर वेट है, एस्फाल्टिंस तो बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट है। तो अगर लो मॉलिक्यूलर वेट का मैं सॉल्वेंट यूज करूंगा तो वो तो ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और एस्फाल्टिंस रह जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस पे हम लोग बात करते हैं। तो लो मॉलिक्यूल्स का लिक्विड सॉल्वेंट क्या हो सकता है, देखिए मीथेन तो लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है, इथेन लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब लोएस्ट पॉसिबल जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास है वो प्रोपेन है। तो इसका मतलब प्रोपेन का अगर मैं यूज करूं एज ए सॉल्वेंट तो वो क्या करेगा, ऑयल्स को बहुत अच्छे से रिकवर कर लेगा। इसलिए अगर मैं प्रोपेन को एज ए सॉल्वेंट यूज करता हूं प्रोपेन डीएस्फाल्टिंग यूनिट में, तो प्रोपेन क्या होता है, बहुत सेलेक्टिव होता है, और इससे जो डीएस्फाल्टेड ऑयल बनता है वो उसकी प्यूरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। सॉरी, प्रोपेन से जो डीएस्फाल्टेड ऑयल बनता है, मतलब देखिए ये जो वीआर है इसको हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट जैसे प्रोपेन डीएस्फाल्टिंग यूनिट में ले जाएंगे तो दो चीज़ बनेगा, एक तो ऐसा बनेगा जो डीएस्फाल्टेड ऑयल बनेगा जिसमें एस्फाल्ट नहीं है, एस्फाल्टिन नहीं है, और जो दूसरा है वो एस्फाल्टिन बनेगा, ठीक है।
तो प्रोपेन डीएसफॉल्टिंग यूनिट में जो प्रोपेन से जो डीएसफॉल्टेड ऑयल बनता है इसकी प्योरिटी ज़्यादा होती है। ये ऑलमोस्ट सारे ही रेजिन्स और एसफॉल्टिंग्स को रिजेक्ट कर देता है। और ये जो डीएसफॉल्टेड ऑयल बनता है ये मोस्टली लीव ऑयल बनाने के काम आता है, हाई विस्कोसिटी लीव ऑयल बनाने के काम आता है। इसको ब्राइट स्टॉक भी बोलते हैं या ब्राइट न्यूट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, जब लीव ऑयल के बारे में डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, बट हाई विस्कोसिटी ग्रेड का लीव ऑयल बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, और ये जो अगर मैं प्रोपेन की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि मैं नेफ्था यूज कर रहा हूँ या फिर ब्यूटेन यूज कर रहा हूँ, उस केस में क्या होता है, या फिर प्रोपेन यूज कर रहा हूँ, पेंटेन यूज कर रहा हूँ, उस केस में क्या होता है, उसकी सेलेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, सेलेक्टिविटी कम रहती है, इसलिए डीएसफॉल्टेड ऑयल बोलता है उसका यील्ड तो ज़्यादा होता है बट प्यूरिटी उतना ज़्यादा नहीं रहता, हो सकता है कुछ रेजिन्स भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा जो डीएसफॉल्टेड ऑयल बनता है उसको फर्दर क्रैकिंग के लिए हम लोग भेज देते हैं, क्रैकिंग के लिए भेजा जा सकता है जैसे कि हाइड्रोक्रैकर में या FCC में। ठीक है, क्या ये फीड बन जाता है? तो अभी तो मोस्टली जो इंडियन रिफाइनरीज में है उसमें तो प्रोपेन डीएसफॉल्टिंग यूनिट ही यूज होता है और लीव ऑयल बनाने के लिए काम में आता है, जैसे हल्दिया रिफाइनरी में एक यूनिट है प्रोपेन डीएसफॉल्टिंग यूनिट का। ठीक है, अभी जो ये एसफॉल्टीन बना है, ये एसफॉल्टीन क्या काम आता है, डीएसफॉल्टेड ऑयल के बारे में तो बोल दिया, लीव ऑयल बेस्ड स्टॉक बनाने में काम में आता है, और ये जो सॉल्वेंट डीएसफॉल्टिंग के बारे में बोल रहा था, मतलब जिसमें नेफ्था या पेंटेन से किया जाए, वैसा यूनिट अभी तो शायद नहीं है इधर इंडिया में। अभी जो एसफॉल्टीन बनता है, एसफॉल्टीन जो है इसका बहुत सारा रूटिंग है, इसको या तो हम लोग इससे बिटुमिन बना लेते हैं या फिर इससे इसका गैसिफिकेशन भी किया जा सकता है जिससे सीन गैस बनाया जा सकता है, तो इसका भी बहुत सारा रूटिंग होता है। ठीक है, तो ये तो एक प्रोसेस हो गया जिससे VR को हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, VR को अपग्रेड करने के लिए एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो गया, तो इसको भी हम कार्बन रिजेक्शन प्रोसेस बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो हैवी कार्बन मॉलिक्यूल्स है उसको हमने हटा दिया तो ऑयल्स रह गया जिसमें हाइड्रोजन बाई कार्बन रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं Visbreaking यूनिट के बारे में। Visbreaking यूनिट, तो देखिए पहले जो क्या होता था ना, जब रिफाइनरीज उतना डेवलप नहीं हुआ था तो ये जो VR बनता था उस VR को हम एज ए फ्यूल ऑयल यूज़ करते थे। बट फ्यूल ऑयल को में के लिए, फ्यूल ऑयल यूज होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मीट करनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर मीट करनी होती है, जैसे कि आपका फ्यूल ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट ग्रेटर देन 66 डिग्री होना चाहिए, उसके बाद जो फ्यूल ऑयल का जो विस्कोसिटी है एक रेंज होता है उस रेंज में होना चाहिए, करीब करीब 180 CST, और डिफरेंट ग्रेड का फ्यूल ऑयल होता है उसके अनुसार डिफरेंट रेंज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको VR को एज ए डायरेक्टली फ्यूल ऑयल यूज करना पड़ेगा तो VR का तो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या करते थे, पहले लोग डीजल मिला देते थे, डीजल या केरोसिन, ठीक है, ताकि विस्कोसिटी कम हो जाए। इसको बोला जाता था कटर स्टॉक, ठीक है, क्योंकि ये विस्कोसिटी को काटने के काम में आ रहा है, ठीक है, विस्कोसिटी रिड्यूस करने के काम में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं फ्यूल ऑयल जिसका प्राइस तो बहुत कम है, बहुत डीजल और केरोसिन के तुलना में, तो मतलब हम क्या है, एक बहुत वैल्यूबल डीजल और केरोसिन को एज ए फ्यूल ऑयल हम बेच रहे हैं तो मेरा लॉस हो रहा है। तो इसलिए इस तरह जो पहले जो प्रोसेस बनता था उसमें फ्यूल ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था क्योंकि बहुत सारा डीजल और केरोसिन भी VR में चला जाता था और इस तरह से रिफाइनरी का इकोनॉमिक्स खराब होता था। इसके बाद फिर लोगों ने एक प्रोसेस डेवलप किया जिसको बोलते हैं Visbreaking यूनिट। वो क्या करता है, VR का विस्कोसिटी ब्रेक कर देता है, मतलब रिड्यूस करता है, इसलिए इसको विस्कोसिटी ब्रेकिंग यूनिट भी आप समझिए, विस्कोसिटी ब्रेकिंग यूनिट का एक्रोनिम है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि VR का विस्कोसिटी रिड्यूस कर दिया, VR का विस्कोसिटी रिड्यूस करने से क्या होता है, जो डीजल और केरोसिन का जो रिक्वायरमेंट था एज ए कटर स्टॉक वो बहुत कम हो जाता है। तो एक तरह से बोलिए Visbreaker यूनिट से फ्यूल ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है। ठीक है, ओके, अभी Visbreaking यूनिट कैसे काम करता है। ये जो Visbreaking यूनिट है बेसिकली माइल्ड थर्मल क्रैकिंग है,
माइल्ड थर्मल क्रैकिंग, बहुत ज़्यादा थर्मल क्रैकिंग नहीं कर पाते हैं इसमें। क्यों नहीं कर पाते हैं उसके बारे में बोलता हूँ। देखिए, हमने अभी जस्ट बात किया था कि ऑयल्स और एस्फाल्टिंस और रेजिन का मिक्सचर है VR, इसका मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा थर्मल क्रैकिंग कर दूंगा तो ऑयल्स तो पूरा क्रैक होकर बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब एस्फाल्टिंस और रेजिन रह जाएगा तो वो एज ए प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा जो कि कोक बना लेगा। तो वीस ब्रेकिंग यूनिट में अगर बहुत ज़्यादा कोक बनेगा तो वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि यूनिट को शट डाउन लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको माइल्ड थर्मल क्रैकिंग ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं बेसिकली जो भी VR होता है उसको हम लोग हीट कर देते हैं, हीट करने के बाद फर्नेस में ले जाते हैं, और फर्नेस से हीट करने के बाद हम लोग क्रैकिंग हो जाता है फर्नेस में, हाई टेम्परेचर तक जाता है, क्रैकिंग होने के बाद उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो जो गैस बन जाएगा थोड़ा सा नेफ्था बनेगा, थोड़ा सा गैस ऑयल बनेगा, और बॉटम से जो बनता है उसको VB टायर बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको कॉयल विस्ब्रेकिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो क्रैकिंग हो रहा है मोस्टली फर्नेस में हो रहा है। अब देखिए, क्रैकिंग करने के लिए दो तरीका हो सकता है, एक तो हो सकता है हाई टेम्परेचर तक ले जाइए, या फिर रेजिडेंस टाइम ज़्यादा दे दीजिए, ज़्यादा देर तक हाई टेम्परेचर पर रख दीजिए तो भी क्रैकिंग होगा। मैंने दो तरीका है, आप गर्म करते जाइए तो क्रैक हो जाएगा, या फिर थोड़ा गर्म करके छोड़ दीजिए तो ज़्यादा टाइम देने से भी क्रैक हो जाता है। तो कॉयल विस ब्रेकिंग यूनिट जो होता है उसमें बेसिकली हम लोग VR को करीब करीब आप समझ लीजिए कि 480 से 490 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देते हैं। ठीक है, और इसमें फर्नेस में जितना टाइम रहता है, मान लीजिए रेजिडेंस टाइम 2 से 3 मिनट होता है, तो इस दौरान क्या होता है कि जो VR है वो क्रैक होता है, और क्रैक होने के बाद उसको हम लोग फर्दर सेपरेट कर लेते हैं। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रिफाइनरी में समझने की चीज़ है कि कोई भी सेकेंडरी प्रोसेसेस है ना, जैसे कि विस ब्रेकर यूनिट है, या फिर डिलेट कुकर यूनिट है, या FCC है, या हाइड्रो क्रैकिंग है, उसमें क्या होता है एक बार जब क्रैकिंग हो जाएगा तो उसमें वो मिक्सचर हो जाएगा, फिर से वो LPG, नेफ्था, डीजल, पेट्रोल, ये सब का मिक्सचर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार क्रैकिंग होने के बाद वो फिर से उसका उस प्रोसेस जो है मोर ऑर लेस सेम क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट जैसा हो जाएगा, क्योंकि क्रूड क्या है, मिक्सचर है, LPG, नेफ्था, पेट्रोल, डीजल, ये सब का केरोसिन का मिक्सचर है। उसी तरह से जो क्रैक प्रोडक्ट है कोई भी क्रैकिंग सेकेंडरी यूनिट का, जैसे विस ब्रेकर या डिलेट कुकर या FCC हाइड्रोक्रैकर, उसमें एक बार रिएक्टर के बाद गया, या फिर जो थर्मल प्रोसेस है उसके बाद जो गया, जो प्रोडक्ट वेपर बना, उसको उसको क्या करना होगा, फिर से डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, तो वही प्रोसेस रिपीट हो जाता है। इसलिए अगर आप क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट अगर अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब आप FCC हाइड्रोक्रैकर, डिलेट कोकर और विस ब्रेकर यूनिट का डाउनस्ट्रीम भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो इसका मतलब आपको बस एक्स्ट्रा क्या समझना पड़ेगा कि क्रैकिंग कैसे हो रहा है। तो जैसे विस ब्रेकर यूनिट में क्रैकिंग क्या होता है, फर्नेस में ले जाके हीट करते हैं, और फर्नेस में हीट होने में जितना क्रैकिंग होता है वही उसी को फर्दर हम लोग सेपरेट कर लेते हैं एज ए डिस्टिलेशन, तो हमारा गैस बन जाता है नेफ्था, गैस ऑयल, VB टायर। ठीक है, अभी क्या है, इसमें क्रैकिंग होता है तो कुछ कोक भी बनेगा, और कोक बनने के कारण हमारा जब कोक बन जाएगा तो जो कॉयल फर्नेस में जो ट्यूब्स हैं, कॉयल्स हैं, उसमें कोक बैठ जाएगा तो फर्दर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब हमको बार बार शट डाउन लेकर के और उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो जनरली इस तरह का जो कॉयल विस ब्रेकिंग होता है उसमें 6 मंथ्स में क्लीनिंग करना पड़ता है, हर एक 6 महीने पर शट डाउन लेना पड़ता है। ठीक है, अभी क्या है, एक दूसरा मेथड फिर डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं सोकर विस ब्रेकिंग यूनिट। में सोकर विस ब्रेकिंग यूनिट में क्या करते हैं कि उतना टेम्परेचर तक नहीं जाते हैं, करीब करीब उसमें क्या करते हैं, करीब करीब 440 डिग्री सेल्सियस तक ही जाते हैं, और क्या करते हैं एक बार हीटिंग करने के बाद उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, रेजिडेंस टाइम से 30 मिनट्स तक। तो ऐसे करने से क्या होता है कि कोक्स जो है उतना नहीं बनता है, कम बनता है, और इसलिए क्या होता है इसका जो शट डाउन पीरियड है वो 2 से 3 साल तक वो चल जाता है। तो इसमें इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, आप जो भी VR फीड है उसको हीट करते हैं प्री हीट से, फिर फर्नेस से आप समझ लीजिए कि 450 डिग्री सेल्सियस तक गए, और उसके बाद एक सिंपल एक ड्रम होता है, उसमें कुछ भी नहीं, खाली ड्रम, हॉलो ड्रम होता है, उसमें आप छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम के लिए छोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको फर्दर आप सेपरेट कर लेते हो, जैसे कि गैस, VB नेफ्था और गैस ऑयल और VB टायर।
ठीक है, ये जो है ये बन गया। तो इसमें आपने क्या किया कि आप तो एक लो टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं, इसका मतलब आपका एनर्जी भी सेव हुआ और उसके बाद आपका रेजिडेंस टाइम थोड़ा दे दिया, और इसका मतलब कोक कम बनता है, इसका मतलब शटडाउन पीरियड भी आपका घट जाता है। कोक इसलिए इसमें कम, ये जो है क्या होता है जनरली कॉइल्स में कोक ज़्यादा बनता है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कोई भी ट्यूब में, आपको पता है कोई भी ट्यूब में जो ट्यूब के जस्ट कॉन्टेक्ट में ऑयल रहता है उसका वेलोसिटी तो बहुत कम रहता है, तो उसका रेजिडेंस टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब ट्यूब के वाल्व पे कोक ज़्यादा बन जाता है, तो कोक ज़्यादा बन जाता है इसलिए बार बार शटडाउन लेना पड़ता है। यहाँ पे हम वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं ले जा रहे हैं फर्नेस में, और एक बार जो एक होलो ड्रम में आ गया तो यहाँ पे तो एकदम एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, तो कोक बनने का टेंडेंसी थोड़ा कम रहता है, और इस तरह से हम ज़्यादा क्रैकिंग कर पा रहे हैं और हमारा जो है एनर्जी भी सेव हो रहा है और शटडाउन पीरियड भी बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। अभी इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि जो विस्ब्रेकर यूनिट है उसका मेन प्रोडक्ट क्या है। विस्ब्रेकर यूनिट का मेन प्रोडक्ट वीवी टायर है जिससे हम लोग फ्यूल ऑयल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैकिंग नहीं कर पाते हैं। अभी हमने जैसे बोला था कि जो वीआर है मिक्सचर है, कोलाइडल सस्पेंशन है ऑयल का, रेजिन का और एस्फाल्टिन का, तो अगर बहुत ज़्यादा क्रैकिंग करके अगर हमें नैप्था और गैस और डीजल बनाना होगा, तो अगर मैं ऐसा करने जाऊंगा तो एस्फाल्टिन प्रेसिपिटेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कोक बन जाएगा, तो हमारा 2-3 साल नहीं चल पाएगा, यूनिट को बार बार शटडाउन करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं बहुत क्रैकिंग नहीं कर पाऊंगा, वीआर को बस थोड़ा विस्कोसिटी ब्रेक करके फ्यूल ऑयल बना रहा हूँ, मतलब थोड़ा क्रैकिंग कर रहा हूँ ताकि विस्कोसिटी कम हो जाए और फ्यूल ऑयल बन जाए। ठीक है, और ये जो फ्यूल ऑयल बनता है इसका विस्कोसिटी कम होता है, थोड़ा बहुत विस्कोसिटी अगर और कम करना चाहे तो कटर स्टॉक मिलाना पड़ता है। जनरली ये जो विस्ब्रेकर यूनिट से जो गैस ऑयल बनता है उसको भी फ्यूल ऑयल में मिला के कटर एज ए कटर स्टॉक हम लोग इसका विस्कोसिटी मेंटेन करते हैं। कभी कभी डीजल या केरोसिन भी मिलाना पड़ता है, बट पहले जितना मिलाना पड़ता था उतना नहीं। ठीक है, एनीवे इसका मतलब ये हुआ, अभी तक का जो डिस्कशन हमने समझा इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमको फ्यूल ऑयल का प्रोडक्शन कम करना है जिसका वैल्यू बहुत कम है क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड बहुत कम है, तो अगर हमको मेन वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाना है जैसे कि डीजल पेट्रोल, अगर उस रेंज का मटेरियल बनाना होगा तो उसके पास हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करें या बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको छोड़ दें ताकि वो फर्दर क्रैक होते रहे और फ्यूल ऑयल से गैस पेट्रोल डीजल बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमको रेजिडेंस टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर मैं बहुत ज़्यादा रेजिडेंस टाइम दूंगा तो इसका मतलब कोक भी बहुत ज़्यादा बनेगा, तो कोक बहुत ज़्यादा बनेगा तो फिर वो हमारा ये विस्ब्रेकर यूनिट तो बार बार शटडाउन होगा, तो फिर क्या करें। तो लोगों ने एक और यूनिट ईजाद किया, बोला कि ठीक है कोक बनता है बनने दो कोई बात नहीं, हम कोक को रनिंग यूनिट में ही कोक को काट काट के निकालते चले जाएंगे। तो इससे जो यूनिट बना उसको डिलेड कोकर यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिलेड कोकर यूनिट में पर्पसफुली फुली टाइम दे देते हैं, डिले कराते हैं, डिले करा के कोक बनने देते हैं ताकि कोक बने ठीक है, बट मेरा जितना क्रैकिंग हो के डीजल पेट्रोल डीजल के नेफ्था और ये गैस ज़्यादा बन जाए। ठीक है, तो डिलेड कोकर यूनिट में यही है, ये सोकर विस्ब्रेकर यूनिट जैसा ही है, बट इसमें क्या है आपका रेजिडेंस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, इसका जो प्रोसेस है मैं यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाइड फ्लो डायग्राम प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, इसमें क्या होता है कि जो भी वीआर है जैसे वीआर है या फिर एफसीसी का बॉटम क्लारीफाइड ऑयल भी इसमें फीड में हो सकता है, उसको प्री ट्रेन में ले गए और प्री ट्रेन ले जाने के बाद फर्नेस में ले जाते हैं, फर्नेस के बाद ये मेन जो फ्रैक्सीनेटर कॉलम होता है उसके बॉटम में जाता है, और मेन फ्रैक्सीनेटर कॉलम का बॉटम प्रोडक्ट और ये फीड ये दोनों मिक्स होके आपके फर्नेस के बाद ये कोकर ड्रम में जाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायर अलग अलग डिलेड कोकर यूनिट में रेजिडेंस टाइम अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो फर्नेस के बाद जो हीटिंग करते हैं करीब करीब फर्नेस के बाद हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर लेते हैं, मतलब समझ लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो जाता है, और यहाँ पे कोकर ड्रम में जो टेम्परेचर होता है करीब करीब 450 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, यहाँ पे 24 घंटे तक हम छोड़ दिए, तो इतना ज़्यादा टाइम तक आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, क्रैकिंग तो बहुत ज़्यादा होगा और कोक भी बनेगा, तो ये बात भी सही है। तो क्रैक प्रोडक्ट को फर्दर ले जाके वही प्रोसेस हमने जैसे बताया था कि कोई भी सेकेंडरी प्रोसेस में क्रैकिंग होने के बाद वो डिस्टिलेशन होगा, तो इससे ही एक डिस्टिलेशन कॉलम और फिर फर्दर बहुत सारे कॉलम जैसे कि मैंने क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में बताया था, ओवरहेड प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे 4-5 कॉलम होंगे साइड के लिए, तो वो प्रोसेस में
भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कोक बनता है उसके बाद क्या होता है, 24 घंटे के बाद इसमें पूरा कोक बन गया, तो ये तो पूरा ड्रम भर गया कोक से, तो फिर क्या करते हैं, ये दूसरे ड्रम में स्विच हो जाता है। अभी फिर जो फर्नेस से जो आ रहा है वो दूसरे ड्रम में चला जाता है, और इस ड्रम में कोक को कटिंग करते हैं हाइड्रोजेटिंग से, हाई प्रेशर स्टीम हाई प्रेशर वाटर से हम लोग इस कोक को कट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो हमारा बनता है ये डिलेट कोकर से, तो उसमें तो बहुत सारा चीज़ बनेगा, वैसे ही जो टॉप प्रोडक्ट है उसको फर्दर सेपरेट करके हम लोग फ्यूल गैस नेफ्था ठीक है, थोड़ा एलपीजी भी बन सकता है, और मोस्टली जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में बनता है वो लाइट गैस ऑयल बनता है और हेवी गैस ऑयल बनता है। अभी देखिए ये सारे जो प्रोसेस हुआ है, जो डिलेट कोकर यूनिट का जो सारे प्रोसेस हुआ है, उसमें एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बना है ये फिर से क्वालिटी मीट नहीं करेगा, तो इसलिए इसको हम लोग को क्वालिटी मीट कराने के लिए फर्दर इसका प्रोसेसिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें सल्फर नाइट्रोजन और ये बहुत सारा जो डबल बॉन्ड है वो रह जाएगा। तो उसके लिए प्रोसेस करने के लिए लाइट गैस ऑयल को जनरली कोकर गैस ऑयल हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट में जाता है, और हेवी गैस ऑयल तो डीजल से भी थोड़ा हेवी है तो इसको क्रैकिंग करना पड़ता है, इसको माइल्ड हाइड्रोक्रैकर में भेजा जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि इसके अलावा इससे जो एक इम्पॉर्टेंट जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है कोक, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो कोक है वो कोक भी तीन तरह का बनता है, एक बोलते हैं जिसको शॉर्ट कोक बोला जाता है, दूसरा बोलते हैं स्पॉन्ज कोक, और तीसरा बोला जाता है नीडिल कोक, ठीक है। अभी जो ये स्पॉन्ज कोक शॉर्ट कोक तो सबसे बेकार ग्रेड का कोक है, स्पॉन्ज कोक और नीडिल कोक। अगर देखिए वीआर में अगर एस्फॉल्टिंस ज़्यादा है तो एस्फॉल्टिंस प्रेसिपिटेट होगा मोस्टली, अगर इतना हाई टेम्परेचर हाई रेजिडेंस टाइम दे रहे हैं तो एस्फॉल्टिंस प्रेसिपिटेट होके एक स्पॉन्जी कोक बनाता है, जिस जो बहुत पोरस होता है, सर्फेस एरिया उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर फीड में एस्फॉल्टिंस कम है और एरोमेटिक्स ज़्यादा है तो कोक बनने का एक और मैकेनिज्म है कि क्या होता है, एरोमेटिक्स पॉलीमराइज करके, पहले तो एरोमेटिक्स या तो पॉलीमराइज हो जाएगा या नेफ्थीन्स का डिहाइड्रोजिनेशन होके एरोमेटिक्स बनेगा और वो अल्टीमेटली पॉलीमराइज हो जाएगा, और पॉलीमराइज होके कोक बना लेता है, पॉलीमराइज होके अल्टीमेटली कंडेंस होके कोक बनाता है। देखिए कोक बनाने का मैकेनिज्म कई तरह का है, एक मैकेनिज्म इसमें है जिसमें ओलिफिन्स और एरोमेटिक्स पॉलीमराइज होते हैं, पॉलीमराइज होके वो क्या होता है अल्टीमेटली कंडेंस हो जाता है और ऐसे कोक बनता है। एक ये भी हो सकता है कि एस्फॉल्टिंस ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाए और उससे कोक बनेगा, तो उस मैकेनिज्म से तो शॉर्ट कोक बनता है। स्पॉन्ज कोक एस्फॉल्टिंस के प्रेसिपिटेशन से भी बन सकता है और थोड़ा एरोमेटिक्स के कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन से भी बनता है, और नीडिल कोक जो है वो मोस्टली एरोमेटिक्स के पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन से बनता है। तो ये जो नीडिल कोक बनता है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, तो नीडिल कोक तो मोस्टली जब बनेगा जबकि क्लारीफाइड ऑयल फीड में हो, क्योंकि क्लारीफाइड ऑयल में फीड में एरोमेटिक्स ज़्यादा होता है। और ये जो नीडिल कोक बनता है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, मतलब ये बाई प्रोडक्ट है ऐसा मत समझिए, इसका बहुत हाई वैल्यू होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसका पोरोसिटी लो होता है, और फीड में सल्फर नाइट्रोजन भी कम होना चाहिए अगर नीडिल कोक बनाना है। ऐसा जो नीडिल कोक बनता है ये एज ए इलेक्ट्रोड यूज होता है स्टील इंडस्ट्री में, और इसका बहुत हाई वैल्यू होता है। स्पॉन्ज कोक जो बनता है इसका दो यूज हो सकता है, एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, शॉर्ट कोक को भी एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, और अगर इसको इलेक्ट्रोड एज ए इलेक्ट्रोड यूज करना है, जैसे कार्बन इलेक्ट्रोड मतलब मोस्टली एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में यूज होता है, अगर ऐसे यूज करना पड़ता है तो इसको स्पॉन्ज कोक को कैल्सिनेशन करना पड़ता है, ठीक है। कैल्सिनेशन मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली कैल्सिनेशन तो बेसिकली क्या होता है, जो कोक है कोक में तो मोस्टली ये कार्बन है, इसके अलावा इसमें कुछ वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन्स भी रह सकता है या वोलाटाइल्स मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और इसके अलावा कुछ मॉइस्चर रहता है। तो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं ना कि इसको हीट करके ये जो वोलाटाइल्स ऑयल्स अगर कुछ कोक में रह गया है तो उसको रिमूव कर देते हैं और मॉइस्चर को भी रिमूव कर देते हैं, तो इससे जो कोक बनता है वो मोस्टली 99% कार्बन हो जाता है, हाइड्रोजन बहुत कम ऑलमोस्ट नील हो जाता है।
और इससे जो कोक बनता है इसको इलेक्ट्रोड एज ए इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो इस तरह से जो कोक बनता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अदरवाइज अगर जो जस्ट कोक बना है जो जिसको ग्रीन कोक भी बोला जाता है, मैंने विदाउट कैल्सिनेशन जो कोक बनता है उसको ग्रीन कोक भी बोला जाता है, वैसे जो कोक बनता है उसका वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि ये तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं FCC और हाइड्रोक्रैकर को डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद एक और पार्ट बना के और उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे डिफरेंट क्वालिटी अपग्रेडेशन प्रोसेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।